नमस्कार, मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। आप देख रहे हैं संसदीय संवाद पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद। भारत की संस्कृति संवाद संस्कृति रही है। विचार विमर्श और चर्चा बहस से होते हुए हम आगे बढ़े हैं। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर संसद में बहस का एक सिलसिला रहा है। इन चर्चाओं ने समस्याओं की सही तस्वीर सामने लाने में मदद की है, जनप्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित किया है और समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाया है। बहस की इन्हीं कड़ियों को एक सिलसिला देने की कोशिश है हमारा विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद। सार्थक संवाद में हम हर बार किसी एक विषय से जुड़े मुद्दे को उठाते हैं। अलग अलग समय पर दोनों सदनों में उस विषय को लेकर कैसी पड़ताल हुई, इसकी चर्चा करते हैं। सार्थक संवाद में इस बार बात करेंगे ग्रामीण विकास की। देश के विकास के लिए संसद ने हमेशा ग्रामीण भारत को प्राथमिकता दी है, क्योंकि देश की 70% से ज्यादा आबादी अब भी गांव में ही बसती है। ग्रामीण विकास के लिए संसद के प्रयासों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की आत्मा आज भी गांव में बसती है। गुलामी का कहर भी गांव किसान पर ही टूटा था। निल्हे किसानों पर अत्याचार की कहानी किसे पता नहीं है। तब देश ने दास्ता की बद्ध श्रृंखलाओं को झंझना कर तोड़ दिया। लेकिन लगातार दुर्भिक्ष और अकाल का शिकार ग्रामीण भारत विकास की बाट जोहता रहा। संविधान सभा ने विषमता दूर करने के लिए भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा खत्म करने पर जोर दिया। संविधान की प्रस्तावना में सहकारिता के प्रोत्साहन का संकल्प लिया गया, तो नीति निर्देशक तत्वों में निजी और सरकारी प्रयासों से घरेलू उद्योगों के विकास की दिशा तय की गई। सभा में किसान की आय बढ़ाने के तरीकों पर भी बहस हुई। पहली संसद ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया, तो निजी मिलों के मुकाबले खड़ा करने के लिए आयोग से भ्रष्टाचार खत्म करने और उसे पेशेवर तरीके से चलाने पर संसद ने हमेशा खुलकर बहस की। कृषि आधारित दूसरे बड़े क्षेत्र चीनी उद्योग को खूब बढ़ावा दिया गया, लेकिन विकास का लाभ किसान तक नहीं पहुंचा। सूखे और अकाल से निपटने के लिए संसद ने जमाखोरी रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया, तो भंडारण की दिशा में भी पहल की गई। जन वितरण प्रणाली विकसित की गई। 1968 में नकदी का संकट दूर करने के प्रयास शुरू हुए, तो संसद ने ग्रामीण क्षेत्र के अपने बैंक के लिए नाबार्ड के गठन को मंजूरी दी। क्षेत्रीय बैंकों से बेहतर तालमेल के लिए संशोधन भी किया। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, बागवानी के साथ कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल और अमल पर संसद हमेशा से गहन चर्चा करती रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड, जीरो बजट खेती से कृषि क्षेत्र में बदलाव लाया जा रहा है। गांव तक बिजली, सड़क, परिवहन का ढांचा विकसित किया गया। संसद के प्रयासों से निर्धनता निवारण की कई योजनाएं शुरू हो पाई। खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, NRLM, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन खाता और उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने सोच बदली, तो कन्या सुमंगला योजना जैसी योजनाओं से इंडिया और भारत के फर्क को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि गांव तक आर्थिक प्रजातंत्र पहुंचाना संसद का संकल्प है। संविधान सभा का मानना था कि ग्रामीण भारत के विकास से ही देश में आर्थिक प्रजातंत्र संभव है। इसके लिए सबसे पहले भूमि सुधार की पहल की गई। इस रिपोर्ट के माननीय प्रस्तावक के इस खंड का मैं समर्थन करने के लिए उठा हूँ। ये वो खंड जो जमीन जोतने वाले को आशा देता है। ये खंड देश के निवासियों से ये प्रतिज्ञा करता है कि संघ सरकारें या प्रदेश की सरकारें सार्वजनिक हित के लिए भूमि तथा अन्य संपत्तियों, व्यक्तियों, कॉरपोरेशनों, औद्योगिक या व्यापारिक कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों से प्राप्त करने जा रही हैं, और ये कि जब वो ऐसा करेंगी तो वह उनको मुआवजा भी अदा करेंगी। अध्यक्ष महोदय, यहाँ जमींदारी के उद्गम का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे प्रदेश में कई जमींदारों को जमींदारी 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में देश से दगा करने और अंग्रेजों की मदद करने के इनाम में मिली थी, और फिर भी ये जमींदार लोग ये सोच के बैठे हैं कि मुआवजे का मतलब है इन लोगों को पूरा कंपनसेशन, यानी पूरी कीमत मिलेगी, पूरा बाजार भाव मिलेगा इनकी जमीन का। मगर महोदय, ऐसा करना तो किसी भी राज्य के लिए संभव ही नहीं हो सकता।
और इस मौजूदा क्लॉज का प्रभाव तो उल्टा पड़ेगा हम पर। द डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन हैज गॉन ऑन द रॉन्ग ट्रैक। दोज हु टूक पार्ट इन द डिबेट एज्यूम दैट दिस क्लॉज वॉज इंटेंडेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग जमींदारी। लैंड विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेनी पब्लिक पर्पजेस, नॉट ओनली लैंड बट सो मेनी अदर थिंग्स मे हैव टू बी एक्वायर्ड एंड द स्टेट विल एक्वायर देम आफ्टर पेइंग कॉम्पेंसेशन एंड नॉट एक्सप्रोप्रिएट देम। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज। संविधान सभा में चर्चा के दौरान सदस्यों ने गांव की माली हालत पर गहरी चिंता जताई और संविधान के मसौदे में ही ग्राम विकास पर प्रावधान किया गया। श्रीमान, मैं विनयपूर्वक प्रस्ताव करता हूं कि राज्य स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को भी प्रोत्साहन देगा तथा घरेलू उद्योग को प्रोत्साहित करेगा, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे कि ये क्षेत्र यथासंभव स्वावलंबी बनाए जा सके। इस संशोधन को उपस्थित करने में मैं परिषद का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस अवस्था में जब ग्रामीणों की स्थिति बिगड़ गई है और हमने ये उल्लेख किया कि हम आर्थिक प्रजातंत्र चाहते हैं, तो ग्राम्य क्षेत्रों में विद्यमान वस्तु स्थिति में आर्थिक प्रजातंत्र कैसे स्थापित होगा? महोदय, अब तक घरेलू उद्योग दो कारणों से उन्नति नहीं कर पाए थे, एक तो विदेशी तथा मिल के बने हुए सामान से प्रतियोगिता के कारण और घरेलू उद्योगों के सहायतार्थ कोई संस्थान ना होने के कारण। कच्चा माल पहुंचाना, वेतन देना और सबसे बड़ी बात विक्रय का प्रबंध करना। विक्रय के संबंध में हमारे अधिकांश घरेलू उद्योगों का बहुत बुरा प्रबंध रहा है। इन चीजों के संभालने के लिए एक संस्था आवश्यक है। मैं देखता हूँ कि जो सदस्य इस विषय में रुचि रखते हैं उनमें दो दल है। एक दल का विश्वास है कि घरेलू उद्योग केवल सहकारी आधार पर हो। दूसरे दल का विश्वास है कि घरेलू उद्योगों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। दोनों दलों को संतुष्ट करने के लिए मैंने ये शब्द जानबूझकर प्रयोग किए हैं, जिससे मुझे विश्वास है कि दोनों मतों के लोग संतुष्ट हो जाएंगे। आजादी के समय देश भयंकर अकाल की समस्या से जूझ रहा था। ऐसे में देश की पहली संसद ने पहली जरूरत जमाखोरी को रोकने की महसूस की। सभापति जी, मैं इस विधेयक को बहुत पसंद नहीं करता हूँ। कारण है, नियंत्रण का डर कुछ ऐसा समाया हुआ है कि अच्छे ख्याल से भी उस पर सोचे तो भय पैदा होता है। परंतु हमारे समाज की जो व्यवस्था है उसे देखते हुए यह आशक हो जाता है कि जीवन की उपयोगी चीजों के ऊपर सरकार का नियंत्रण रहे, साथ ही उनके उत्पादन पर भी नियंत्रण रहे। सर, this bill which protects the interest of the general public in this country on the production, distribution and supply of certain essential commodities which are mentioned in clause 2 of the bill, I do not think that we should resort to the old wartime laws, especially in the matter of putting the burden of proof on the accused. It is high time the government gives up such provisions. दूसरी तरफ देश की संसद ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए गैर कृषि व्यवसायों को विकसित करने की दिशा में पहल की, लिहाजा खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए बकायदा एक वैधानिक निकाय गठित किया गया। सभापति महोदय, मैं एक बात आपकी निगाह में आज भी लाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, बहुत बड़े उद्योग हैं जो हमारी नेशनल इनकम में 554 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम नहीं दे रहे हैं, परंतु ये जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्री है इसमें आज भी आमदनी 911 करोड़ रुपए होती है। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि कमीशन बनने से खादी बोर्ड के सामने जो दिक्कत थी वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अनुदान बहुत देर से स्वीकृत होते हैं, रुपए का भुगतान बहुत देर से होता है और उससे तमाम रुकावटें आती है, हर बात जाकर रेड टैपिज्म में फंस जाती है। वो प्रोडक्शन सिस्टम्स जो कि हाउस होल्ड पर केंद्रित होते हैं, इनका समय के साथ साथ धीरे धीरे एक तो मशीनीकरण से और कॉलोनियल गवर्नेंस के कारण भी वो पीछे पड़ रहे थे। तो इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को और मशीनीकरण के कंपटीशन में, चूँकि ये हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो होते हैं इनका संगठन बहुत ज़रूरी होता है,
खादी हर घर में कोई अगर उत्पाद होता है तो अगर संगठित रूप से उसे नहीं अगर उसके विक्रय क्रय की व्यवस्था की जाए तो ऐसी परिस्थिति में कठिनाइयां आती हैं। इसी कारण से ये बहुत ज़रूरी था कि हम कमीशन बना करके खाली खादी ग्राम उद्योग विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एक उस दिशा में बढ़े ताकि हम इसे संगठित कर सकें, चूँकि हमारे पास कौशल था, हमारे पास प्रोडक्शन सिस्टम्स थे जो कई कारणों से थोड़ी कमजोर हो गए। सर, ड्यूरिंग द सेकेंड फाइव ईयर प्लान फ्रॉम 1956 टू 1961 टू थिंग्स हैपेंड साइमल्टेनियसली। वन इज दैट KVIC वॉज एस्टैब्लिश्ड, द अदर इज दैट ए माइटी ड्राइव वॉज टेकन अप बाई द गवर्नमेंट इन द हैवी इंडस्ट्री सेक्टर। So the heavy industry sector and the industry in the lower income group, these two drive was taken up simultaneously without looking into the fact which one will survive. इस आयोग की जब स्थापना हुई थी उसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, स्वदेशी आंदोलन जो आज़ादी के पहले शुरू हुआ, आज़ादी के बाद भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाना है और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो गांव है जहां 60 से 70 से 80% से अधिक लोग रहते हैं उनको रोजगार मुहैया करना और अपने हाथों से बनाए हुए सामान का उपयोग करना और उसे देश में पहुंचाना बहुत ही पवित्र और बड़ा उद्देश्य था और इस आयोग को इसी उद्देश्य से बनाया गया था। मगर धीरे 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 यह आयोग एक चारागाह बन गया, पॉलिटिकली जो बेरोजगार लोग होते गए जिन्हें हमने संसद में या विधानसभाओं में उन्हें हमने आयोग में बिठा दिया। ये खादी जैसे मैंने कहा उपाध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ एक ये कपड़े का कोई पीस नहीं है, ये एक एक देश का ये एक बहुत बड़ा एक आवाज है, एक मूवमेंट है। और खादी पहनने से अपने आप को ये महसूस होता है कि मैं ऐसा कपड़ा पहना हूँ जो देश का जो भावना है, देश का इज्जत है, इससे जुड़े हुए कपड़े को मैं पहन रहा हूँ। एक विकेंद्रित इकोनॉमिक प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है इसको संचालित करने में चुनौतियाँ कई हैं और निश्चित रूप से इन चुनौतियों को और विशेषकर प्रोडक्ट को सही रूप से हाई वैल्यू प्रोडक्ट जो हैं जिसकी बड़ी मार्केट्स है, जो बहुत सारे प्रयास किए गए हैं इधर हाल के वर्षों में कि चिन्हित करना कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसकी मांग बहुत है, कौन सा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है जिसके लिए हमें ग्लोबल डिमांड भी हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी मांग होगी, और उन प्रोडक्ट्स को विशेष रूप से और विशेष रूप से इसमें मार्केटिंग की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा लोकप्रिय बना सकें। सूती कपड़ा उद्योग के बाद भारत में कृषि आधारित उद्योगों में चीनी उद्योग दूसरे नंबर पर है, वहीं दुनिया भर में चीनी उत्पादन के लिए भारत का दूसरा स्थान है। चीनी उत्पादन के लिए देश के करीब 10 राज्यों में किसान गन्ने की खेती पर निर्भर करते हैं, लिहाजा देश में चीनी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी संसद ने पहल की। सर, चीनी के उद्योग को हिंदुस्तान में सबसे अधिक संरक्षण दिया गया है। इस उद्योग को 15 साल तक का संरक्षण दिया गया है और इस तरह से हिंदुस्तान के चीनी उत्पादकों ने करोड़ों रुपए की कुर्बानी करके चीनी उद्योग को अपनाया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो आपको पता चलेगा कि चीनी के मिल मालिकों ने हिंदुस्तान के उपभोक्ता की और किसान की जो गन्ना पैदा करते हैं कोई परवाह नहीं। यह बात स्पष्ट है कि चीनी का निर्यात बढ़ाने से विदेशी मुद्रा की जो भी प्राप्ति हो किंतु गन्ना उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ होने वाला नहीं है, इस बात को सभी स्वीकार करेंगे। हमारे देश में चीनी उद्योग का जिस ढंग से विकास हुआ है और सरकार ने जिस मात्रा में चीनी उद्योग को संरक्षण दिया है
उसमें जो चीनी के मिल मालिक हैं उनका लाभ अनुपात में अधिक है। सहकारिता के क्षेत्र में चीनी शुगर कोऑपरेटिव्स आगे बढ़ते रहे और इसी कारण से हमारा उत्पाद भी बढ़ता गया, कई बाकी प्रोडक्ट्स भी आए। लेकिन क्या होता है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, विश्व स्तर पे दाम में परिवर्तन होता है, कभी दाम कम हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में, या दाम ज़्यादा हो जाता है तो वैसी परिस्थिति में भी, तो इन कारणों से भी कई बार क्या होता है कि जो उद्योग होता है वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है। तो प्रयास तो यही था कि किसान को एक सुनिश्चित तरीके से एक बिक्री की व्यवस्था उनकी हो, और मिल्स को आधुनिकीकरण पर भी जो जोर दिया गया ताकि मिल्स की एफिशिएंसी और बढ़े, एक्सट्रैक्शन और बढ़े। अभी नए नए जो बहुत सारे वैरायटीज डेवलप किए गए ICAR के द्वारा, उसमें भी ये कोशिश है कि गन्ने की उत्पाद में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है कि उसी भौगोलिक क्षेत्र में अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और जिसके कारण फिर किसान को भी रिटर्न्स बेटर मिलता है। महोदय, इस देश में टेक्सटाइल के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री चीनी इंडस्ट्री, और ये एग्रो बेस इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान के गांव में रहने वाली खड़ी रही हुई थी, और इसका सबसे ज़्यादा लाभ जो देश का ग्रामीण हिस्सा है वहाँ के लोगों को होता है। आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कि जब भारत सरकार इतनी कृपालु है तो इस बात की भी गारंटी चीनी मिलों से लेनी चाहिए कि हमारे मदद देने के 15 दिन के भीतर वह पैसा जो हम दे रहे हैं इस अपने फंड से, वह पैसा पास ऑन होना चाहिए किसानों को और उनको समय से मिलना चाहिए। जो अभी हमारे सहयोगी माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि चीनी मिलों पर तो माननीय मंत्री जी कृपा कर रहे हैं, लेकिन इस देश के किसान जिनके हितों के संरक्षण के लिए इस प्रकार की निधियां बनाई गई थी, कहीं भी वह नज़र नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम सब इस बात को बड़े दुख के साथ भी कहते हैं कि सरकार की इन्हीं गलत नीतियों के कारण पिछले 10 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर 1.5 लाख से अधिक किसान आत्महत्याएँ करता है, आज भी एक क्रम लगातार जारी है। अन्नदाता उपज के भंडार, कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक तरीकों से भंडारण के लिए भी कानून बनाए गए। I take this opportunity to congratulate the government for bringing this measure, which will prove of great boon to the agriculturists as well as the public. I am reminded of those days when we had strict rationing and controls. During those days, I remember that in juvenile courts, small children were brought before the magistrate for selling just one share of rice or bajra here and there. It proves that there was no scarcity of food grains as it was thought at that time, but there was exploitation by the middlemen. Sir, Mantri ji se main kehna chahta hoon ki hamare yahan saal mein 3 fasal hoti hai, badhai, aghani aur rabi. इन तीनों फसलों के बारे में साल भर बाद सरकार की तरफ से रिटर्न निकलेगा और तब लोगों को पता चलेगा। सरकार एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है। मेरा सुझाव है कि जब एक फसल की चीजें सरकार के गोदामों में पहुंच जाएं, तो वह एक रिटर्न निकाल दे। किस रेट पर ये चीजें आई और फसल की क्या परिस्थिति रही, ताकि लोगों को पता चल जाए। सर, दिस बिल विच प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इन दिस कंट्री on the production, distribution and supply of certain essential commodities which are mentioned in clause 2 of the bill, I do not think that we should resort to the old wartime laws, especially in the matter of putting the burden of proof on the accused. It is high time the government gives up such provisions. Krishi mein bahut sare parivartan hue, utpad badha, utpadakta badhi, jis karan se aaj hum ek surplus nation hai. आज हम एक्सपोर्ट्स के जो संभावनाएं हैं उनको तलाश रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जहां एक ओर हमारे पास बहुत कठिनाई थी पहले फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, आज हम काफ़ी हद तक अपना सेल्फ रिलायंट भी हुए हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं, और आज हम स्थिति में पहुंचे हैं कि डाइवर्सिफाई करके
हम विश्व को भी अन्न उपलब्ध कर सकें। कई प्रकार की डाइवर्सिफिकेशन में हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की ओर भी हम जा रहे हैं, और कुछ जो समय के साथ साथ, जैसे जिसको मिलेट्स हम बोलते हैं, मिलेट्स में बाजरा इत्यादि, जो कि पहले गरीब आदमी का खाना माना जाता था, लेकिन आज उसको, जब उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू और उसकी बहुत सारी जो अच्छी बातें हैं, तो ये ग्लोबल मार्केट भी आया है। तो हम क्यों ना अपने इन प्रोडक्ट से भी ग्लोबल मार्केट कैप्चर करें, यह भी अपने आप में एक चुनौती है, क्योंकि ये प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी सस्टेनेबल होगा, सतत होगा, और उसके अतिरिक्त ये हाई वैल्यू क्रॉप्स अगर होते हैं तो किसान को भी मुनाफा ज़्यादा होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन की बहुत आवश्यकता है इस पूरे क्षेत्र। जिस ऑब्जेक्ट से 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था, उसका ऑब्जेक्ट ये था, क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ 1955 में, वहाँ पर उस समय स्कैर्सिटी और शॉर्टेज था फूड ग्रेन्स का, उस समय हमारे पास नहीं थे। उस समय की सिचुएशन अलग ही है, लेकिन आज की सिचुएशन अलग है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज जो है हमारे पास में सफिशिएंट फूड ग्रेन्स हैं, कई एसेंशियल कमोडिटीज जो उसमें हैं, जिसमें ली गई हैं 3(1)(a) में, उन कमोडिटीज के संबंध में हमारे पास में सफिशिएंट फूड ग्रेन हैं और उसमें हम आत्मनिर्भर हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर इनको अगर और भी कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, वो कंप्लीट फेल हो जाएगा, और बोटल नेक का, जितना बोटल नेक होगा ये सिस्टम पोस्ट हार्वेस्टिंग का, उतना ही किसान दुखी होगा और कंज्यूमर दुखी होगा। कभी सूखे की मार तो कभी बारिश का कहर तो कभी पाला, इन सब से लड़कर भी किसान को बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत का वाजिब दाम मिल पाता था। ऐसे में गोदाम किसान की सहूलियत है, इसीलिए संसद ने समय समय पर कानून में बदलाव भी किए। महोदय, मैं यह बात मानता हूँ कि अभी भी कृषकों की पैदावार का जो हिस्सा इस गोदाम में आना चाहिए, यह उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और इसकी वजह ये है, जैसा आपको मालूम है, हमारे देश में 76% सीमांत और लघु किसान हैं, यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं। इनके लिए हम एक सरप्लस मार्केट नहीं पैदा कर पाते। अगर कहीं भी एक कैश क्रॉप पैदा कर पाते हैं तो उनकी ज़मीनों से बहुत दूर दूर तक गोदाम हैं, वहाँ उनकी क्रॉप को नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनके लिए यह इकोनॉमिकल नहीं है। गोदामों की पावती से किसान के लिए हुंडी बनाने की बात पर भी संसद ने गौर किया। So the major issue which we are facing today in the country, at one side there might be certain calamities where the farmers are facing lot of problems. There might be some problem about he has to take money sometime from private money lender. And ultimately if he is not in position to return because of the pressure from private money lenders, we have seen some of the examples where the farmers has ultimately committed even suicide. But there are number of cases also where the farmer is facing serious problem because of the distress. And how long we are going to continue or accept this situation where the farmer has to accept distress? And that is the reason this particular legislation has been brought. संतुष्टि अन्नदाता को बीज बोनी से लेकर उपज मंडी में ले जाने तक पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ता है। उनकी मजबूरी का फायदा कभी साहूकार तो कभी आड़तिये उठाते रहे हैं। इसीलिए संसद ने किसानों के लिए आसान कर्ज को लेकर कई कानून बनाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब किसी को रुपया देने का सवाल है तब नियम सरल होने चाहिए, नहीं तो जो कोऑपरेटिव की स्थिति है वही होगी कि किसान दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे लेकिन रुपया कोऑपरेटिव से जल्दी नहीं मिल पाता है। नाबार्ड के कारण भी, अन्य व्यवस्थाओं के कारण भी आज किसान तक बहुत सारी सुविधाएं, ऋण की जो उपलब्ध है, लोन की जो उपलब्ध है, वो पूर्व के दशकों में उतनी नहीं रही थी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर ऑपरेशन ऐसा है जिसमें कि क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, और इसका सही तरह से अगर हम समय से उपलब्ध करा पाते हैं तो एक बहुत बड़ी फॉरवर्ड स्टेप है, जिसको हम देख रहे हैं कि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बहुत सुविधा हो जाती है, और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में भी जो किसानों को सुविधा दी जाती है, खास करके जो हमारे सीमांत और लघु किसान हैं, उनकी जो छोटी छोटी आवश्यकताएँ हैं, 6,000 रुपये साल का काफ़ी मददगार होता है, बहुत सारे जो कैश की कमी आपने बताई, उस कैश की कमी को दूर करने के लिए। मुझे इससे बड़ी खुशी है, और मैं समझता हूँ कि देश के गांव में बसने वाले 80% लोगों को, जो गांव में खेतों से और पशुपालन या उद्योगों का धंधा करते हैं, को इस कानून से एक संतोष मिलेगा। हमारे गांव की पंचायतें लोकतंत्र की बुनियाद हैं।
इसलिए संसद ने प्रजातंत्र का लाभ आखिरी आदमी तक पहुंचे, इसके लिए कानून बनाकर पंचायती राज व्यवस्था लागू की। इस देश के अंदर संविधान का 73वां और 74वां संशोधन आया, मगर चूंकि 370 थी वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। देश भर के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी लेकर आए, मगर जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं हुआ। जब आजाद साहब मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां धारा 370 थी और वहां कॉन्सेंसस नहीं बन पाता था। मान्यवर, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होते भी नहीं थे। आज भी वहां पर 73 और 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ। आज ये सदन पास करेगा, कल लोकसभा पास करेगी 73 और 74वां संशोधन, ऑटोमेटिकली जम्मू कश्मीर को अप्लाई। देखिए, सामाजिक बदलाव तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी समाज अगर समावेशी नहीं होता है तब उसके आगे बढ़ने में चुनौतियां रहती हैं। एक गरीब परिवार जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास खाना बनाने के लिए गैस नहीं है, जिसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, जिसके पास अन्य बैंक अकाउंट नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लें फिर भी आप सब्सिस्टेंस के ऊपर उस परिवार को नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी कारण से जो प्रो पुअर पब्लिक वेलफेयर की बात आई, जन भागीदारी से, होल ऑफ गवर्नमेंट से, होल ऑफ सोसाइटी के अप्रोच से, उज्ज्वला गैस के डिस्ट्रीब्यूशन का हो, शौचालय का हो, घर बनाने का हो, इन बिजली पहुंचाने का हो, बैंक अकाउंट खोलने का हो, टीकाकरण का हो, यह कोशिश रही कि हर गरीब परिवार तक ये सुविधाएं पहुंचे, ताकि जो एसेट बेस है गरीब का वो बेहतर हो सके। जब एसेट बेस में सुधार होगा और साथ साथ जब स्वास्थ्य और शिक्षा, पोषण, इन पर भी पूरी ध्यान है, तो निश्चित रूप से इसका जो परिणाम आएगा, एक गरीब आर्थिक विकास की यात्रा में बेहतर रूप से भागीदार बन सकेगा। किसान की आय बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता है। इनपुट कॉस्ट कम हो, ये हमारी प्राथमिकता है। और पहले MSP के नाम पे क्या होता था हमारे देश में? पहले 7 लाख टन दाल और तिलहन की खरीद हुई, हमारे कार्यकाल में 100 लाख टन। 7 और 100 का फर्क तो समझ आएगा। इनाम योजना, आज डिजिटल वर्ल्ड है, हमारा किसान भी मोबाइल फोन से दुनिया के दाम देख रहा है, समझ रहा है। इनाम योजना के नाते किसान अपना बाजार में माल बेच सके, उस योजना को लिया हमने। और मुझे खुशी है कि गांव का किसान इस व्यवस्था से, करीब 2.25 करोड़ किसान अब तक उससे जुड़ चुके हैं, और करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किसानों ने अपनी पैदावार का इस इनाम योजना से किया। देश की संसद ने ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक बैंकिंग से जुड़े कई अहम कदम उठाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को खेती किसानी से लेकर कुटीर उद्योग धंधों के लिए आसान कर्ज उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए भी कई कानून बनाए गए, तो पंचायती राज के जरिए लोकतंत्र को आखिरी आदमी तक पहुंचाने के लिए कानूनी प्रावधान भी किए गए। सार्थक संवाद को आप संसद TV के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।